वेलकम बैक टू ज्ञानकर। और आप लोगों को जो मैंने आप लोगों ने फर्स्ट देखे थे असाइनमेंट्स वगैरह क्वेश्चंस कुछ करे हैं, कुछ समझ में आ गया था? कुछ इजी लग रही है मैथ्स या अभी भी हार्ड लग रही है? तो शायद आप लोगों ने करे होंगे। मेरे पास एक प्रॉब्लम आई हुई है, एक बच्चे ने एक प्रॉब्लम पूछी है, तो मैं उसको आप लोगों को फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद के हम जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आप वो जो प्रॉब्लम थी वो ये वाली थी। आप लोगों को बेटा मैंने उसमें ही बताया था px is equal to x minus 1 whole square। ये क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है और कोई चीज नहीं है। आपको आइडेंटिटी यूज करनी है a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस क्या था 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उससे ही आ गई। अब आपको क्या करना था, फिर वही वैल्यू जैसे हम रखते थे क्वाड्रेटिक के लिए, मैंने कहा था ना कि आपको जो है 7 पॉइंट्स निकालिए या 5 पॉइंट्स निकालिए, आपने यहाँ पर रखते जाने x की वैल्यू माइनस 3 रखी, तो माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 6, 9 और 6 15 और 1 16, इस तरीके से आप रखते चले जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये तो निकालने आते हैं ना आप लोगों को। इसके बाद में हमें इसका क्या करना था, ग्राफ ड्रॉ करना था। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने यहाँ पर क्या था ये 0 और ये क्या था x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। अब इनके ऊपर आप कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लेंगे, हमने क्या लिए हुए हैं x पर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इधर भी ऐसे ले लिया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, y पर हम देख रहे हैं 16 तक है। अब इतनी तो स्पेस हम पे है ही नहीं, ग्राफ में है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, स्केल तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं ना, तो इसमें हम स्केल क्या ले लेते हैं, हम इसको इस स्केल को ऐसे ले लेते हैं ये 2 4 6 8 10 12 14 और ले लिया एक 16 यहाँ तक ले लिया, और नेगेटिव तो है नहीं, लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं है। फिर हमने जो है इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, स्टार्ट किया माइनस 3 एंड 16, माइनस 3 यहाँ से और ये आ जाएगा आपके पास, स्केल से आप कर लीजिएगा ये पॉइंट आ जाएगा, देन माइनस 2 एंड 9 माइनस 2, तो ये वाला हो गया पॉइंट, और 9 कहाँ पर आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, राइट? तो ये क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया। फिर माइनस 1 एंड 4 ये वाला पॉइंट हो गया, देन 0 एंड 0 के में क्या आया था हमारे पास, जब x 0 था y की वैल्यू 1, मीन्स कहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा आपके पास 0 एंड 1। फिर क्या था 1 और 0, 1 ये है आपके पास x की वैल्यू 1 y 0, मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया x 2 y अगेन 1, ये वाला ही पॉइंट आ गया आपके पास x 3 y की वैल्यू 4। इज इट क्लियर, ये समझ में आया ना? अब हमने क्या करा, इसको 3 एंड ऐसे ज्वाइन करेंगे, जब इसे ज्वाइन किया अगर आपने और पॉइंट्स निकाले होते तो ये प्रॉपर इस तरीके से करके यू शेप आ जाती, यू शेप आती है ना, क्वाड्रेटिक की मैंने बताया था आप लोगों को, कौन सी शेप कराती है, यू शेप को दूसरा नाम क्या होता था, पैराबोला होता था, तो ये ठीक है, तो ये हमारे पास में यू शेप आ गई है। अब कितने जीरोस हैं इसके, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने जीरोस होते थे, कितने बताए थे मैंने आप लोगों को, मैक्सिमम 2 कहे थे ना, मैंने कहा था 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, सो हियर इट इज ओनली 1 0, कितने जीरो है इसमें, 1 0 है, और उसका पॉइंट क्या है यहाँ पर 1 एंड 0, कोऑर्डिनेट क्या है वो, ये क्या आ गया हमारे पास में 1 एंड 0, राइट, हो गया ना सही। तो ये हमारे पास में जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व कर लिया, नहीं आया हो अगर किसी की अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो प्लीज करते जाओ, और मुझे कभी भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी और आपको आराम से हो जाएगा। अब हम ले रहे हैं आज का टॉपिक, आज का टॉपिक हमारे पास है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशियंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशियंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशियंट। आज हम करेंगे ये क्वाड्रेटिक के लिए, और नेक्स्ट में हम देखते हैं आज कितना, फिर उसके बाद में हम क्यूबिक का करेंगे। तो ये जो रिलेशन है आपके पास में, जीरोस आपको याद है क्या थे, कॉफिशियंट याद होगा ना, कि जीरो जिसको रखने से हमारा पॉलिनोमियल जीरो बनता है, और कॉफिशियंट जो हमारे पास एबीसी या पी क्यू और कुछ भी लेते थे हम उनको कहते थे, ठीक है,
तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्वाड्रेटिक। फॉर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के लिए जनरल फॉर्म क्या थी, याद है कुछ? हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस समय है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक है। आपके पास जो ये रिलेशन का जो क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक या क्यूबिक से आएंगे, बहुत रेयर ही है जो बाइक्वाड्रेटिक के लिए भी आ जाता है, तो एक क्वेश्चन बाद में देख लेंगे हम, लेकिन मेन आपके पास क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही लेके करना है आपको। तो क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या थी बताओ, याद है कुछ? जब भी मैं कुछ बोलती हूँ कुछ क्वेश्चन है तो आपके एकदम माइंड में आ जाना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? जनरल फॉर्म क्या बताई थी, याद आ गई ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने कहा है पहले मैं रिलेशन बता रही हूँ क्या है, उसके बाद में हम प्रूविंग करेंगे उसकी कि वो कैसे आया है, राइट? अब हमने कह दिया लेट जीरोज आर एल्फा एंड बीटा। एल्फा बीटा ले लिया हमने, कॉफिशियंट क्या है यहाँ पर बताओ? ए एफ, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कॉफिशियंट ऑफ एक्स इज बी एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज सी, ठीक है ना? ये कर चलो। अब पहले मैं रिलेशन लिख रही हूँ, रिलेशन आपने लिखा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मीन्स एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप? माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या है आपके पास? माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट ए। तो हमारे पास फर्स्ट वे जो रिलेशन है एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकेंड जो हमें करना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज एल्फा बीटा। ये आपके पास क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारे पास में? सी अपॉन ए। अब ये हमारे पास में रिलेशन, आपके पास जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अभी हम करेंगे भी, तो वो आपको उसमें यही वेरीफाई करना होता है। अब हम क्या ले रहे हैं, इसको प्रूविंग कैसे करते हैं? एग्जाम में नहीं आती है, आज तक तो वैसे नहीं आई है, बहुत रेयरली कभी हुआ हो तो, अदरवाइज नहीं आती, लेकिन तब भी हमें आनी चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि हमें परफेक्ट बनना है, कि हम जो भी चीज कर रहे हैं हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। कल आप अपने छोटे भाई बहनों को, अपने फ्रेंड सबको पढ़ाते हैं, हम लोग कुछ आप में से हम जैसे टीचर्स भी तो बनेंगे ना, तो टीचर तो आप लोगों को बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्यों, ठीक है? तो हम इसकी प्रूविंग करते हैं। प्रूविंग करने के लिए जब हमने कहा है कि ये इसके जीरोज हैं, एल्फा बीटा हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, जब ये जीरोज है तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद में? देयरफोर एक्स माइनस एल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर्स, राइट? अब ये फैक्टर्स है x माइनस एल्फा और x जो हमने लिया, ये इसके हमने फैक्टर्स ले लिए। जब ये फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा यही तो हमारा पॉलिनोमियल रहेगा। दिस वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस एक काम और करना है, इस पूरे के साथ में हमने एक कॉन्स्टेंट लिखना है दैट इज k। अब k क्यों लिखा है आप लोगों के दिमाग में आया होगा ना कि भाई के क्यों लिखा है, इनका प्रोडक्ट ही तो होगा। देखो कई बार एक हम एक एग्जांपल से करते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करो मैं एक लिख रही हूँ 5x² + 10, ओके? दिस इज डिवाइडेड बाय, डिविजिबल बाय, या मैंने कहा x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस 5x² + 10। जबकि इसका फैक्टर होगा कि इससे डिविजिबल भी होगा, जब डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स प्लस, यहाँ पर क्वाड्रेटिक ले रहे ना, ये ले लेते हैं हम इसको, हाँ ठीक है, ठीक है x + 2। अब इसको हमने किससे डिवाइड करना है? x + 2 से, तब हमने इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 5x, और रिमेनिंग क्या रह गया x + 2 डिवाइडेड बाय इसका फैक्टर है, तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, हमारे पास में एक नंबर बच रहा है यहाँ पर, ये क्या है 5।
तो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट नंबर हमारे पास रहता है। अगर कुछ भी नहीं होगा, पूरा भी डिविजिबल हो गया होता, सपोज करो इसी से डिवाइड कर रहे होते तो भी वन तो है ना। तो ये जो के है ये वही है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है या फिर आपके पास में वन हो सकता है। क्लियर आ गया ना समझ में, इसलिए हम के लेते हैं। अब क्या करना है इसके बाद में, आपको हमें इसको मल्टीप्लाई, जैसे हम करते हैं हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना शुरू करा, एक्स स्क्वेयर यहाँ से माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। अब इसको और ओपन कर दिया, के एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स कॉमन लिया हुआ है, अंदर क्या रह गया एल्फा प्लस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ में ले लिया हमने, और ये क्या ले लिया एल्फा बीटा और साथ में के। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे, ये किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब क्या करना है हमें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मींस क्या होगा था, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है उसका कंपैरिजन इससे, एक्स के कोफिशिएंट की इधर से कंपैरिजन कांस्टेंट टर्म की, तो से तो इस जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ए क्या है, ए इज के और एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है बी, बी की वैल्यू क्या आ रही है हमसे माइनस के एल्फा प्लस बीटा, एंड सी क्या आ गया हमारे पास में, सी इज इक्वल टू के एल्फा बीटा। अब इन तीनों से हम रिलेशन ये निकालेंगे, हमने क्या करा यहाँ पर के की जगह पर ए रख दिया, सॉरी के की जगह पर ए जब हम रखते हैं देन हमने क्या लिया b इज इक्वल टू माइनस ए एल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा, ठीक है। फिर एल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, यहाँ से a नीचे आ जाएगा माइनस b अपॉन a, ये फर्स्ट प्रूविंग ये थी ना, आ गई आया ना देखो। अब सेकंड फिर हम इससे ले लेंगे a की वैल्यू के इसमें रखेंगे, यहाँ पे रखा हमने c इज इक्वल टू a एल्फा बीटा, अब ये देखो एल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, ये प्रूव करना था हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने इसकी प्रूविंग कैसे करी है। अब इस प्रूविंग को ही हम इसके क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। यहां तक अगर नहीं आया हो तो प्लीज मुझे बताते रहा करिएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन इन नेक्स्ट वीडियो जो भी पॉइंट आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं इसके एप्लीकेशंस के ऊपर बेस कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं, पहले एनसीईआरटी के करते हैं फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब इसको रख कर देते हैं, पहले आगे लेते हैं एनसीईआरटी की आपकी सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट तो आप लोगों ने कर ली होगी, सेकंड एक्सरसाइज ले लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले लू मैं, अपनी बुक खोलिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। कोई ना कोई ये क्वेश्चन जरूर आता है इस तरीके का, पेपर में एक या दो नंबर का जरूर आएगा आपके पास, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब हमने क्या ले लिया, पॉलीनोमियल क्या गिवन है हमारे पास में, अब ये है s में तो वी विल नॉट राइट हियर x, s है जो वेरिएबल होता है कोई लेते हैं, हमारे पास क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको इसका रिलेशंस निकालते हैं, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए हम कैसे करते थे, क्या करते थे जीरोज निकालने के लिए, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से या कोई कॉमन फैक्टर मेथड से या फिर आइडेंटिटी यूज करते थे। तो यहाँ पर हम इसको मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, इसको हम आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। फर्स्ट हम ले रहे हैं मिडिल टर्म से, राइट, मिडिल टर्म से मैं बता ही चुकी हूँ कैसे करते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट करते थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए, तो यही हमने ले लिया 4s स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके प्लस 4 आ रहा है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके माइनस में आ रहा है, हमने क्या ले लिया माइनस 2s और माइनस 2s, देखो माइनस 2s इंटू माइनस 2s प्लस 4s स्क्वायर आ गया और माइनस 2s माइनस 2s इज दिस, ये कर लिया, इसमें से 2s कॉमन लिया यू विल गेट 2s माइनस 1,
यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया, 2s माइनस वन, सो 2s माइनस वन एंड 2s माइनस वन, तो इससे जीरो क्या आ गए, फर्स्ट आ गया व्हेन 2s माइनस वन इज जीरो, अल्फा एस ये इज इक्वल टू जीरो, तो एस इज इक्वल टू वन बाई टू, मीन्स अल्फा एस वन बाई टू, इधर से भी सेम ही आएगा, मीन्स इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के कैसे जीरो थे, ये तो दो जीरो गए लेकिन सेम जीरो रहे, ठीक है ना, सेम जीरो आ रहा है इसका, वन बाई टू वन बाई टू। अगर इसको मैंने आइडेंटिटी वाले मेथड से क्या होता, सेकेंड मेथड ले लिया, तो क्या था, देखो ये भी परफेक्ट स्क्वेयर है, वन इज ऑल्सो परफेक्ट नंबर, सो यू कैन राइट इट एज टू एस स्क्वेयर, इधर से इसको लिखा हमने वन स्क्वेयर, बीच में क्या हो गया टू ए बी, टू एस इंटू वन, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, ओके। तो इसको ये किसका फॉर्मूला होता था, 2s माइनस वन स्क्वायर, सेम इसको भी यही आ गया ना, 2s माइनस वन एंड 2s माइनस वन, तो इससे भी अल्फा भी क्या था हमारे यही आए हैं, तो आप एग्जाम में जो आपके मन में आए किसी से भी कर सकते हैं आप। इससे अब हमने क्या निकाल दिया, अल्फा बीटा। अब हमारे पास रिलेशन क्या था, हमें क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये वेरीफाई करना है, तो हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले हमने क्या निकालना है, डायरेक्ट मत लिख देना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, पहले आप प्रूव करेंगे और उसके बाद में आप इसको जो है वेरीफाई करेंगे। तो पहले आपने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा दैट इज वन बाई टू प्लस वन बाई टू, वन बाई टू प्लस वन बाई टू इज वन, अब आप निकालिए माइनस बी अपॉन ए। अब यहां से ये भी तो बताइए, अब ये बताओ ए क्या था इस इक्वेशन में, ए क्या था फोर, बी क्या है फोर, ये दिमाग में है, नहीं बेटा साइन को भी देखना है, बी इज माइनस फोर एंड सी इज वन कॉन्स्टेंट। अब देखो माइनस बी अपॉन ए, माइनस ये वाला तो है और बी का भी माइनस है, बच्चे क्या करते हैं इस माइनस को छोड़ देते हैं, ध्यान रखो उसको नहीं छोड़ना है पूरा साइन के साथ में, ये कितना आ गया प्लस फोर अपॉन फोर, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना वन, सेम आ गया, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, हो गया प्रूफ। सेकेंड करते हैं अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल था, सी अपॉन ए, तो आप पहले अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया वन बाई टू इंटू वन बाई टू दैट इज वन बाई फोर, अब आपको क्या निकालना है सी अपॉन ए, सी कितना है यहाँ पर वन, ए इज अगेन फोर, ये भी सेम आ गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया वेरीफाइड, इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो एक दो क्वेश्चन और भी करते हैं, अब हम एनसीईआरटी का ही इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट आप कैसे करेंगे, फिफ्थ पार्ट है आपके पास टी स्क्वेयर माइनस फिफ्टीन, अब बताओ जीरो कैसे निकालें, इसमें मिडिल टर्म लगाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सोचना पड़ेगा है ना, इससे अच्छा आइडेंटिटी यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर, अब सोच रहे होंगे कैसे हो जाएगी, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, अरे भाई इसको लिखो टी स्क्वेयर माइनस रूट फिफ्टीन स्क्वेयर, अगेन यू विल यूज कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, ए प्लस बी ए माइनस बी, हमने वो यूज कर दी टी प्लस रूट फिफ्टीन एंड टी माइनस रूट फिफ्टीन, ये आ गया हमारे पास में, अब फर्स्ट जीरो क्या आ जाएगा इधर से, अल्फा कितना आ गया यहाँ से माइनस रूट फिफ्टीन, और यहाँ से कितना आ गया बीटा इज प्लस रूट फिफ्टीन, अब फिर हमें इतना रिलेशन वेरीफाई करना है, यहाँ से पहले वो भी लिख लो, ए कितना है वन, बी इज माइनस फिफ्टीन, ठीक है ना, गलत है ये माइनस फिफ्टीन कहाँ हो गया, बी होता है टी का कोफिशियंट, तो टी वाली टर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, तो बी क्या होगा यहाँ पर जीरो एंड सी इज माइनस फिफ्टीन, आगे नई बात समझ में, ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन जैसे होता है कि वो प्रॉपर वे में नहीं लिखा होता है, तो आपको लिखना भी ऐसे ही है, पहले हमने स्क्वेयर वाली टर्म लिखी, फिर एक्स वाली लिखी, फिर कॉन्स्टेंट करनी, पहले उसको रीअरेंजमेंट कर लो उसका, ठीक है, ये नहीं कि फटाफट कुछ भी लिखते चले जाते हैं फिर गलत हो जाता है। अब आपने निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस रूट फिफ्टीन प्लस रूट फिफ्टीन जीरो, अब हमने निकाला माइनस बी अपॉन ए,
माइनस बी इज जीरो, जीरो अपॉन वन इज जीरो हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। अब हमने क्या लिया, अल्फा इंटू बीटा लिया, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा यहां से बताओ, रूट फिफ्टीन इंटू रूट फिफ्टीन कितना होता है, माइनस फिफ्टीन आ जाएगा, रूट हट जाता है, वन बाई टू वन बाई टू, ठीक है इधर के। अब सी अपॉन ए कितना हो गया आपके पास में, यहां से सी कितना था माइनस फिफ्टीन, ए इज वन, ये भी आ गया माइनस फिफ्टीन, तो हो गया वेल वेरीफाई आपका, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दिस इज वेरीफाइड, इज इट क्लियर। आगे यहां तक आपको समझ में, ये एनसीईआरटी के मैंने अभी आपको दो क्वेश्चन कराए हैं, एक आप कुछ एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, थोड़ा सा वो एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक के। क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन लिखा है, ये ले लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, बहुत प्रैक्टिस कर दी है, बहुत क्वेश्चन होते हैं। टू एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन बाय टू एक्स प्लस थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर इसको करने के लिए, अभी तो फ्रैक्शन में आ रहा है, बेस्ट वे ये है आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लिया फोर टू जा एट एक्स स्क्वेयर, यहां से लिया फोर्टीन एक्स प्लस यहां से लिया हमने थ्री, ये आएगा ठीक है ना, तो इसको हमने क्या लिख दिया वन बाई फोर एट एक्स स्क्वेयर फोर्टीन एक्स प्लस थ्री। अब हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करेंगे और इसके निकालेंगे, ये हमने क्या लिख दिया थ्री एक्स, क्या आ गया वन बाई फोर एट एक्स स्क्वेयर फोर्टीन एक्स प्लस थ्री। अब इसके केवल इसको लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, हमने इसके फैक्टर निकालने के लिए क्या ले लिया एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, क्या करते थे क्या ले सकते हैं ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन आ जाए ना, ले लिया प्लस थ्री। अब इनमें से क्या कॉमन है फटाफट फोर एक्स, ये जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना आपसे इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे कि आप, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत हार्ड है ही नहीं, टू एक्स प्लस थ्री रोज अपने दिमाग में ये बिठा लो, मैथ्स का बिल्कुल कॉपी हटाने का मतलब यही है, दिमाग से हट जाना चाहिए कि मैथ्स हार्ड है, डेली प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप सारी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, बीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, ये तो समझ में आ गया ना ये कैसे आया, इसको भी वेरीफाई करो। अब बताओ ए क्या है यहाँ पर, अब आप इसको नहीं देखेंगे, हम किसको देखते हैं इस वाले को, इससे ही करेंगे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर टू, बी क्या है ये हो गया हमारे पास में के बी हो गया सेवन बाई टू एंड सी इज थ्री बाई फोर, ओके वेरीफाई करो, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा माइनस थ्री बाई टू और ये माइनस वन बाई फोर। अगर आपने यहाँ पर कोई भी करके देखना, अगर आपने कोई भी गलत लिख दिया है कोई भी साइन, आपका वेरीफाई नहीं होगा, अगर वेरीफाई नहीं है तो डेफिनेटली यही क्वेश्चन होगा आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है, तो उसको अगेन दोबारा से रेक्टिफाई करो कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। एलसीएम किया आपने फोर आ गया, टू टू जा यहाँ से माइनस सिक्स और यहाँ से कितना गया माइनस वन, सो यू विल गेट माइनस सेवन बाई फोर। अब हमने निकालना है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मीन सेवन बाई टू, ए कितना है टू, सो माइनस सेवन बाई फोर वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब क्या करेंगे और क्या करना होगा था वेरीफाई के लिए, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया माइनस थ्री बाई टू इंटू माइनस वन बाई फोर, माइनस माइनस प्लस थ्री अपॉन एट। अब क्या निकाल हो गया सी अपॉन ए, सी कितना हो गया थ्री बाय फोर इंटू टू दैट इज थ्री बाय एट, ये भी वेरीफाई हो गया ना। आ गया बच्चों आप लोगों को समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है ना, अगर कुछ भी लगती है प्लीज बिना हिचक बिना डरे हुए बिना किसी चीज के आप लोग मुझे लिख सकते हैं, बस आपको ऐसे ही करते जाने हैं। एक क्वेश्चन और ले लें, चलो एक और कर लेते हैं, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल है ना, सब कुछ कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एस स्क्वेयर माइनस
वन प्लस टू रूट टू एस प्लस रूट टू। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट सा लगा ना, कुछ भी नहीं है इसमें भी। इसको करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लूंगे जो बेस्ट इजी वे है, टू रूट टू एस प्लस रूट टू। ओके, अब इसमें से देखो क्या कॉमन है, इधर से क्या कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है, एस कॉमन, क्या रह गया टू एस माइनस वन। यहां से क्या कॉमन है, माइनस रूट टू लेंगे क्योंकि अंदर का साइन माइनस है, इसको हमें माइनस बनाना है इसलिए हम इसको लेंगे। ये क्या आ गया टू एस माइनस वन, सो टू एस माइनस वन एंड एस माइनस रूट टू। एल्फा कितना आ गया वन बाय टू एंड बीटा इज रूट टू आ गया। ए क्या है यहां से टू, अब बी क्या है, बड़ा अजीब सा नंबर है, माइनस वन प्लस टू रूट टू। देखते ही कह दोगे नहीं 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 मैम हमसे तो नहीं होता ये वाला, ट्राई करा करो। सी की वैल्यू क्या आ गई रूट टू। अब पढ़ते हैं इसको, एल्फा प्लस बीटा वन बाय टू प्लस रूट टू। अरे अब इसको ऐड करना है, सेम जैसे हम करते थे एलसीएम लिया टू वन प्लस टू रूट टू आ गया। अब माइनस बी अपॉन ए निकालो, माइनस अगेन माइनस वन प्लस टू रूट टू अपॉन टू आ गया। अरे वाह ये तो हो गया, ठीक है ना। अब क्या लिया हमने, एल्फा इंटू बीटा निकाला, एल्फा इंटू बीटा वन बाय टू इंटू रूट टू, यू विल गेट रूट टू अपॉन टू। अब क्या करना है सी अपॉन ए निकालो, ऐसी इजी वे में आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन। आज से सब पूरा वेरीफाई हो गया, कुछ टाइम नहीं लगेगा, दो दो मिनट भी नहीं लगते हैं पूरे क्वेश्चंस में और ये सब सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी पे जब हम ये कर रहे हैं तो एक चीज और करवा लेती हूँ इसी में कि अब हमें क्या करना है। ये तो हमने क्या करा, पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले और उसे वेरीफाई किया। अब जो हम ले रहे हैं टॉपिक, इसमें ही हमें जीरोस पता है, जीरोस पता है आपको पॉलिनोमियल बनाना है, जो आपका एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जब भी अभी क्वाड्रेटिकली करें, नेक्स्ट जो टॉपिक बाद में लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब हम क्यूबिक के लिए करेंगे, राइट। आज हम केवल क्वाड्रेटिक करेंगे। तो हमने क्या लिया, जब हमने कहा लेट द जीरोस एल्फा एंड बीटा, तब पॉलिनोमियल आपके पास में क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। मीन्स कुछ भी नहीं करना है, बस जो आपके पास में जीरो आए हैं उनका सम निकालो, यहाँ पर रख दिया, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो और यहाँ पर रख दो, डायरेक्ट पॉलिनोमियल आ जाएगा आपके पास में। कई बार जैसे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन सेकंड है, उसमें गिवन ही हमेशा है, उसमें तो और इजी है, आपको सम निकालने की भी जरूरत नहीं है, सम भी गिवन है प्रोडक्ट गिवन है। देखिए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर टू, इसी 2.2 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर टू का मैं सेकेंड पार्ट ले रही हूँ, इसी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन टू का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या गिवन है ध्यान से पढ़ो, इसमें जीरोस ही गिवन है। कई बार आपको जीरोस गिवन होते हैं और कई बार आपको क्या गिवन होता है कि हमें इसके सम ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस, मींस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट बाय रूट टू एंड एल्फा इंटू बीटा इज वन बाय थ्री। कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसमें रख दो, पॉलिनोमियल आपको निकालना है। पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन बाय थ्री, हो गया खत्म, ये करना था, ठीक है ना, इजी है ना बिल्कुल। तो एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चन सारे होमवर्क के लिए हैं आपको, यू हैव टू डू, प्लीज साथ साथ में आप करेंगे तभी कुछ होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आई विल गिव यू 100%, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगी थोड़ा और जल्दी वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है, जिससे आप लोग को करें उसको, ठीक है। अब इसके बाद में हम ले रहे हैं, अगर मैं 100% दे रही हूँ तो आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी अपना 100% दीजिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ना कर लेते हैं हम, एक
ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिलेशन, हम जो ये एप्लीकेशन इसको अप्लाई कहां करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन ए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास, टू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, इसके जीरोस गिवन है हमसे, इन्होंने कहा है देन फॉर्म अ पॉलिनोमियल, देन फॉर्म अ पॉलिनोमियल हूज, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के, तो हूज जीरोस आर, हूज जीरोस आर वन प्लस बीटा अपॉन अल्फा, एक जीरो तो ये है और दूसरा क्या है वन प्लस अल्फा अपॉन बीटा, राइट। अब अभी हम करके चुके हैं पॉलिनोमियल फॉर्म करना है ना, तो पॉलिनोमियल होता क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, अब जीरोस हम अल्फा बीटा नहीं लेंगे, ये लेंगे, तो जीरोस क्या लिया, वन प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस वन प्लस अल्फा अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज वन प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा अपॉन बीटा। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर वन प्लस वन टू, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यहां से अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आएगा, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर आ जाए, ओके। सेम यहां पर मल्टीप्लाई किया हमने, जब देखो वन इंटू वन वन, फिर बीटा अपॉन अल्फा, इससे किया हमने वन को पहले से किया अल्फा अपॉन बीटा, और दूसरा क्या आएगा, पहले वन से इसको किया फिर इसको किया फिर इससे किया, फिर आएगा बीटा अपॉन अल्फा इंटू अल्फा अपॉन बीटा, देखो यहां से कैंसिल होके ये क्या आएगा पूरी वैल्यू वन, तो ये भी सेम यही वाला बन जाएगा जो यहाँ पर था, वही बन गया हमारे पास, क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा एक्स, यहाँ पर भी देखो वन प्लस वन टू, सेम जैसे इसको सॉल्व किया था यही चीज थी ना, यहाँ पर भी किसी क्वेश्चन में कुछ और भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, तो ये आपके पास में ये भी यही आ गया हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, इज इट क्लियर। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व क्या करें, पॉलिनोमियल कैसे बनाएं, इसको कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बहुत से बच्चे कर देते हैं, क्या करा उन्होंने अल्फा और बीटा निकाला उसकी वैल्यू रख दी, बेटा हमें इसको अप्लाई करना है ना, जो चीज पड़ी है उसको हमें यूज भी करना है कहीं ना कहीं, तो हम इससे हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा बीटा निकालेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये क्या थी हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, एल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, क्या था माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस फाइव अपॉन टू, कितना आ गया फाइव अपॉन टू, एल्फा बीटा निकाला कितना आ गया थ्री बाई टू। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ये भी रख देंगे ये भी, ठीक है, लेकिन ये एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कैसे निकलेगा, अगेन यूज द आइडेंटिटी, एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू एल्फा बीटा, यहां से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किया कितना आ गया ट्वेंटी फाइव बाई फोर, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू इंटू थ्री बाई टू, ये कैंसिल हुआ, इसको सॉल्व किया सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर माइनस थ्री, अगेन एलसीएम लेंगे फोर थ्री जार ट्वेल्व, फिर इसमें से माइनस हुआ तो मिल गया थर्टीन बाई फोर, बस कुछ भी नहीं करना है, आगे आगे क्या करेंगे, इसमें हमने सारी वैल्यू रख देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है अभी हमने निकाला है थर्टीन बाई फोर, टू प्लस थर्टीन अपॉन फोर, एल्फा बीटा कहाँ पर था ये था कितना था थ्री बाई टू, थ्री टू पर चला जाएगा, राइट। सेम ये एक्स हो गया प्लस यहाँ पर भी बिल्कुल सेम यही था, हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी टू प्लस थर्टीन इंटू टू फोर इंटू थ्री, सॉल्व कर दो इसको जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स अपॉन ट्वेल्व, काट भी सकते हैं यहाँ पर टू टू जा कर दिया
तो ये कितना आ गया इसको हमने, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लिया, यू विल गेट 13 अपॉन 6 इनटू x, सेम 2 प्लस 13 अपॉन 6, सो x स्क्वायर 6 एलसीएम, 6 प्लस 6 टू जा 12, 12 प्लस 13 25x, यहां से भी कितना आ गया 25/6, ये आ गया बस। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह से करोगे, आ गया समझ में, ठीक है ना? नहीं आता है प्लीज मुझे बताना। अब आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन मैं अब आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन तो देने ही है ना, कुछ प्रैक्टिस तो करनी है अपने आप ही। चलो अब मैं कुछ यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चन लिखती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप उसको करेंगे। एक तो एनसीईआरटी तो 2.2 आपको कम्प्लीट करनी है, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एक भी नहीं छोड़ते हैं, सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से करना है। क्यूबिक वाले छोड़ दीजिएगा, क्यूबिक के हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है? तो आप असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द जीरोस, जो करा है बिल्कुल उसी के ऊपर पे, एंड वेरीफाई रिलेशन, है ना, जो अभी हमने किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या आ जाएगा आपके पास, 4x² प्लस 5√2x − 3, ठीक है? सेकेंड लिखिए x² 1/6x − 2, थर्ड लिखिए x³ तो अभी हमने करा नहीं है, क्यूब कर लेते हैं, ठीक है? खाली स्क्वायर तक पे करते हैं हम। अब सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, 2x² प्लस 3x − 6, फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are क्या है अब हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, राइट? ये हो गया थर्ड क्वेश्चन लिखिए, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, x² − k + 6x + 2k − 1, ये पॉलिनोमियल है, थोड़ा डिफरेंट है, फाइंड k। अब क्या गिवन है, क्या चीज गिवन है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा, ठीक है? ये बस थोड़े से हैं, एनसीईआरटी के भी हैं क्योंकि आपके पास, इनको करना है, क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन चलो थोड़े थोड़े से करते रहते हैं, कभी बहुत मैं आपको खाली असाइनमेंट्स के ही क्वेश्चन की वीडियो भेजूंगी, सिंपल सी, उनको आप करिएगा, उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, ओके? चलिए बाय, थैंक यू। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।